आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का लोकप्रिय न्यूज चैनल। मैं हूं सरताज। चलिए खबर की ओर। लॉकडाउन के समय में धनबाद के वासेपुर में खुला मुख्यमंत्री दाल भात योजना। जी हां, मैं आपको बता दूं कि इजहार अहमद बिहारी के नेतृत्व में उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भोली थाना प्रभारी भी मौजूद थे। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, कोई भी आदमी भूखा न रहे। मुख्यमंत्री का एक ही प्रयास, लॉकडाउन के समय कोई भूखा न रहे। नेशनल टुडे लैब से सरताज की रिपोर्ट। नेशनल टुडे लैब में आपका स्वागत है। आज जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में बताएं। ये मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अंतर्गत यहाँ पे आरा मॉल स्थित एक दाल भात योजना केंद्र खोला गया है, जिसमें लॉकडाउन में गरीब फंसे हुए हैं, कुछ मजबूर हैं, असहाय हैं, उनके लिए धनबाद उपायुक्त एवं जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा इसका यहाँ पर एक गठन किया गया है। इससे गरीबों को काफ़ी लाभ हो रहा है। हम उपायुक्त महोदय को धन्यवाद देते हैं, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस लायक समझा और यहाँ के लोगों को दुख दर्द को समझते हुए मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र योजना का यहाँ पर शुरुआत किया। कब तक योजना चलेगा ये? ये योजना मेरे ख्याल से लगातार चलेगा। अपना परिचय दें। इजहार अहमद बिहारी, समाज सेवक है। सर, नेशनल टुडे लैब में आपका स्वागत है। आज जो प्रोग्राम हुआ सर, उसके बारे में बताएं। वैश्विक महामारी कोरोना के भय आता को देखते हुए जो लोग भी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जो बेघर मजदूर हैं, उनको यहाँ मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत खाना का प्रबंध कराया गया है। इसकी जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय बिहारी जी को दिया गया है। उनके देखरेख में इस मुख्यमंत्री दाल भात योजना का संचालन किया जा रहा है। जो लोग भी बेघर हैं, जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, वो लोग आकर के यहाँ पर भोजन कर सकते हैं मुफ्त में। यहाँ पर सारा भोजन। सर, अपना परिचय दें। मैं गुली ओपी प्रभारी गंगा सागर।